गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज नितिन खंडेलवाल, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन निशांस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आज अपन क्लास 11th CBSE और RBSE इंग्लिश मीडियम के अंदर जो चैप्टर 5th है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, उस नंबर सिस्टम्स के अंदर आप लोगों ने नंबर्स देखे हुए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, इस तरह से नंबर देखे हैं। तो पूरे नंबर सिस्टम को अगर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक तो आप लोगों का रियल नंबर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वही चैप्टर है अपना 11th के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले अपन सारे नंबर्स जो हैं उन सभी नंबर्स के एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है आप लोगों का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे अपन कैपिटल एन से और ये आप लोगों का 1, 2, 3, 4 डॉट डैश। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। इसके बाद आप लोगों का आएगा होल नंबर। होल नंबर को अपन स्टार्ट करेंगे किससे, W से, और इसकी जो स्टार्टिंग है 0, 1, 2, 3 डेड डैश। तो ये सब आप लोगों के क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। इसके बाद आते हैं आप लोगों के इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं I से या फिर किससे, जेड से। I से या फिर जेड से डिनोट करेंगे तो 0, 1, 2, 3 डेड डैश, और इधर -1, -2, -3 डेड डैश। अरे बस होंगे। अब इस इंटीजर्स के अंदर अगर अपन इसको फर्दर डिवाइड करें तो एक है आप लोगों का पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करेंगे अपन किससे, आई प्लस से। जब अपन इसको आई प्लस से डिनोट करेंगे तो इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो 1, 2, 3 डेड डैश, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे आप लोगों के क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद आप लोगों का नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करेंगे अपन किससे, आई माइनस से, और ये -3, -2, -1। अब जीरो अपन ने न तो पॉजिटिव के अंदर लिया और न ही किसके अंदर लिया, नेगेटिव के अंदर। तो नोट डाल के लिखेंगे अपन, जीरो इज न्यूट्रल इंटीजर। जीरो कैसा इंटीजर है आप लोगों का, न्यूट्रल इंटीजर है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसी के अंदर इंटीजर्स के अंदर अगर मैं लिखता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर अपन बात करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों का जीरो इंक्लूड हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 डेड डैश। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से मतलब आप लोग ये मत समझना कि पॉजिटिव लेने हैं अपन को। पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टार्टिंग 1, 2, 3 और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की स्टार्टिंग होगी जो कहाँ से होगी, 0, 1, 2, 3। इसी तरह से अगर आप लोगों से पूछ ले कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे आप लोगों के, एड डैश, -3, -2, -1 और 0। नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव तो आएंगे सही, साथ में क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक नहीं है। अगर आप लोगों से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पूछे तो उसके अंदर 0 भी इंक्लूड होगा, 0, 1, 2, 3, और पॉजिटिव इंटीजर पूछे तो 1, 2, 3, क्योंकि वो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताओ तो आप लोग आंसर दोगे कि भाई पॉजिटिव होंगे तो 1, 2, 3, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आप लोगों का 0 इंक्लूड होगा और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर भी आप लोगों का क्या इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट नंबर देखेंगे वो है आप लोगों का रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिसे अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, रैशनल नंबर कहेंगे।
तो नेक्स्ट जो आएगा आप लोगों का आएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को डिनोट किससे करेंगे अपन, क्यू से, और इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर, जिसे अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू कभी भी क्या नहीं होगा आप लोगों का, जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको अपन, जैसे कि मान लो आप लोगों ने लिखा 5, तो 5 आप लोगों का कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 upon 1, तो p upon q के फॉर्म में अपन ने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। -9 ये भी आप लोगों का कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि -9 के नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, 1। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों का 0, 0 भी आप लोगों का कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.2 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, जो आप लोगों की इच्छा हो वो आप लोग इसके अंदर 0.2, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना, 0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे मान लो आप लोगों को दे दिया √16, तो √16 आप लोगों को पता है क्या होता है, 4, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 upon 1। तो ये सारे कैसे नंबर्स हैं आप लोगों के, रैशनल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो आएगा आप लोगों का इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आप लोगों को पता है, जिसे अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आप लोगों का कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों का 5th इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को डिनोट करेंगे अपन किससे, क्यू डैश से। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, उसे क्या बोलेंगे अपन, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल √2 हुआ आप लोगों का, √3 हुआ, ये कैसे नंबर से आप लोगों के, इरेशनल नंबर। पाई भी कैसा नंबर है आप लोगों का, इरेशनल नंबर। अब आप लोग पूछोगे पाई तो 22/7 होता है, तो पाई इरेशनल कैसे हुआ, देखो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 3.14 समथिंग होती है, और पाई की वैल्यू रियल वर्ल्ड के अंदर हर जगह डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो 22/7 3.14 के क्या आता है, क्लोज आता है, इसलिए अपन पाई की जगह कभी कभी क्या यूज़ कर लेते हैं, 22/7 यूज़ कर लेते हैं। बाकी पाई आप लोगों का कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आप लोगों का आता है रियल नंबर्स, कौन सा नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर को डिनोट करते हैं अपन किससे, कैपिटल आर से। तो इसके अंदर लिखेंगे बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे अपन, रियल नंबर्स बोलेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू प्लस क्यू डैश। हरी बात समझ में, क्यू तो आप लोगों का रैशनल नंबर हो गया, और क्यू डैश कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगर अपन एक नंबर लाइन की बात करें तो इस नंबर लाइन के अंदर इधर तो आप लोगों का माइनस इन्फिनिटी आता है, और इधर क्या आता है, प्लस इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 0, 1, 2, 3, यहाँ पर कितना, -1, -2 और माइनस कितना, 3। अब आप लोग इस नंबर लाइन के अंदर देखोगे तो आप लोगों को रैशनल नंबर भी मिलेंगे, जैसे रैशनल नंबर में आप लोगों के नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, और इरेशनल नंबर जैसे सपोज √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो 1.414 1 और 2 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर समथिंग कुछ।
इसी तरह से अगर अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 वन और टू के बीच में समथिंग यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के रैशनल नंबर भी आ रहे हैं और इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं, तो इस नंबर लाइन को ही अपन क्या कह देंगे, रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस नंबर लाइन के अंदर आप लोगों को सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस नंबर लाइन को क्या कहेंगे अपन, रियल नंबर लाइन। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन जो आप लोगों के 11th क्लास के अंदर काम में आने वाला नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इस नंबर्स के बारे में आप लोगों ने 10th तक नहीं पढ़ा है, 11th के अंदर है ये इमेजिनरी नंबर। तो नेक्स्ट जो नंबर है आप लोगों का, कौन सा नंबर, इमेज नरी नंबर। इमेज नरी नंबर क्या होता है, सबसे पहले वो देखो, इसको समझने के लिए अपन देखते हैं। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो आप लोगों को कोई इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। स्क्वायर हटा के क्या लगा दें, अंडर रूट, और बार क्या, प्लस माइनस। तो एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, प्लस माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर करने पर आप लोगों का पता है, आप लोगों को पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है, पॉजिटिव। जैसे आप लोग माइनस फाइव का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 25, और प्लस फाइव का स्क्वायर करते हो तो भी कितना आता है, 25 आता है। लेकिन सपोज आप लोगों को इस तरह की इक्वेशन दे दी और उसका आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वन उधर शिफ्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। अब आप लोग देखो यहाँ पर जो नंबर है इसको स्क्वायर करने पर क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की, नेगेटिव। तो आप लोगों ने अभी तक कोई ऐसा नंबर देखा था 10th क्लास के अंदर जिसका स्क्वायर करने पर आप लोगों को क्या मिल रही हो, नेगेटिव वैल्यू मिल रही हो? तो बस उसी नंबर को क्या कहेंगे अपन, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से क्या लग जाए, बार प्लस माइनस, और अंडर रूट में क्या, माइनस वन। यानी कि सिंपल सी बात है कि अंडर रूट के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी नेगेटिव नंबर दिख जाए तो वो कैसा नंबर है आप लोगों का, इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर है आप लोगों का, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का अंडर रूट में क्या आ गया, माइनस आ गया, और अंडर रूट में माइनस आप लोगों ने कोई भी नंबर अभी तक देखा नहीं था। तो अगर आप लोगों को अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है तो वो कैसा नंबर है आप लोगों का, इमेजिनरी नंबर। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या है आप लोगों की, अ नंबर डेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इमेजनरी नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अंडर रूट में माइनस वन है, अंडर रूट में माइनस टू है, अंडर रूट में माइनस फाइव है, और अंडर रूट में क्या है, माइनस सेवन। तो ये सब कैसे नंबर से आप लोगों के, इमेजनरी नंबर से, क्योंकि अपने डेफिनेशन क्या बोली, अ नंबर डेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। तो ये अंडर रूट माइन, जो भी आप लोगों के अंडर रूट में नेगेटिव नंबर दिख जाएंगे वो सब कैसे नंबर से आप लोगों के, इमेजनरी नंबर से। अब देखो यहाँ पर इन इमेजनरी नंबर्स के अंदर इस अंडर रूट माइनस वन को अपन ने एक स्पेशल नेमिंग दे दिया। अंडर रूट माइनस वन को क्या दे दिया अपन ने, स्पेशल नेमिंग। तो अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड आयोटा। अंडर रूट माइनस वन को क्या बोलेंगे अपन, आयोटा बोलेंगे। और आयोटा को किससे डिनोट करेंगे, ये आई और उसके ऊपर अपन एक बिंदी लगा दी। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट माइनस वन को क्या बोला अपन ने, आयोटा बोला। अब देखो अंडर रूट माइनस वन तो क्या हो गया आप लोगों का, आयोटा हो गया। तो अंडर रूट माइनस वन क्या हो गया, आयोटा। इसी तरह से अगर अंडर रूट में माइनस टू हो
तो इसको क्या ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं, 2 × −1। अब 2 × −1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 × कितना, अंडर रूट −1। और अंडर रूट −1 को क्या बोला अपन ने, आयोटा। तो ये कितना हो गया आप लोगों का, रूट टू और कितना, आयोटा। इसी तरह से अगर आप लोगों से अंडर रूट −3 पूछे तो इसको क्या लिखोगे, 3 × −1 कितना हो गया, ये अंडर रूट 3 × कितना, अंडर रूट −1। अंडर रूट −1 को क्या बोल रहे हैं अपन, आयोटा बोल रहे हैं। तो ये कितना हो गया, रूट 3 और कितना हो गया, आयोटा हो गया। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप लोगों से पूछे, जैसे मान लो अपन को लिखना है अंडर रूट −16 लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 16 × कितना, −1। तो ये हो गया अंडर रूट 16 × कितना, अंडर रूट −1। और अंडर रूट 16 कितना होता है आप लोगों का, 4। तो ये क्या हो गया, 4 iota। क्लियर है। तो इस तरह से अपन किसी भी नेगेटिव नंबर्स को आयोटा के इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। इसके बाद देखो आप लोग कि आयोटा को तो क्या बोला अपन ने, अंडर रूट −1। तो देखो आयोटा इक्वल टू कितना है अपना, अंडर रूट −1। और सपोज आप लोगों को आयोटा की पावर 2 निकालनी है, तो आयोटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट −1। उसका क्या करोगे आप लोग, स्क्वायर करोगे। तो इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, −1। ये आप लोगों को याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, −1। इसी तरह से जब आप लोग आयोटा की पावर 3 निकालोगे, तो इस पावर 3 को अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे कि इसको लिख देंगे अपन आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, −1, और ये कितना, आयोटा। तो ये कितना हो गया आप लोगों का, −आयोटा। तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, −आयोटा। अगर आयोटा की पावर 4 पूछे तो उसको आप लोग डिवाइड करके, पावर को डिवाइड करके आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, −1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू −1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या, +1। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको पावर 2 और 2 में डिवाइड करो। आप लोग चाहते हो तो आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 3 इंटू कितना, आयोटा। तो आयोटा की पावर 3 कितना, −आयोटा इंटू कितना, आयोटा। तो कितना, −आयोटा स्क्वायर। माइनस तो यही सही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, −1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या मिल चुकी है अपन को, +1 मिल चुकी है। क्लियर है। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से पावर में डिवाइड करके कर लो, चाहे इस तरह से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, ये नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद अपन आयोटा की जो भी बड़ी पावर्स है वो अपन निकालेंगे, नोट कीजिए। नोट किया स्टूडेंट्स। इसके बाद देखते हैं अपन आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज आप लोगों को आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आयोटा की पावर 4 × आयोटा में अपन डिवाइड कर सकते हैं। 1 है यहाँ पर पावर, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 1 × डॉट का मतलब क्या है, इंटू है, इंटू आयोटा। तो 1 × आयोटा कितना हो गया, आयोटा हो गया। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा। अब आप लोग इसके बाद वाली पावर निकालते हैं अपन, आयोटा की पावर 6। मैं आप लोगों से पूछूं तो कैसे निकालोगे, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर कितनी, 2। तो आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, −1। तो 1 × −1 कितना, −1। तो आयोटा की पावर 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है, −1। इसी तरह से अगर आप लोगों से आयोटा की पावर 7 पूछे, तो इसको डिवाइड करके आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1। आयोटा क्यूब कितना, −आयोटा। तो 1 × −आयोटा कितना, −आयोटा। तो आयोटा रेस्ट टू पावर 7 कितना हो गया आप लोगों का, −आयोटा हो गया।
इसी तरह से अगर आप लोगों से आयोटा की पावर 8 पूछे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इसमें अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो आयोटा रेस्ट पावर 8 कितना हो गया 1। अब आप लोग देखो कि अपन ने आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी 1। अब जब आप लोग पावर 4 के बाद वापस देखो तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आ रही है आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1, देखो यहाँ भी माइनस 1 और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है माइनस 1। अगर आयोटा की पावर 7 देखोगे तो माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू भी कितनी माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 की वैल्यू कितनी 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी कितनी 1। यानी कि अपन ये देखें कि पावर 4 के बाद आयोटा की जो वैल्यूज है वो वापस क्या हो रही है रिपीट हो रही है, यानी कि पावर 4 के बाद उसकी साइकिल वापस क्या हो रही है कंप्लीट हो रही है। इसलिए जब भी आप लोगों को आयोटा की पावर 4 से अगर बड़ी निकालनी है, आयोटा की पावर अगर आप लोगों को 4 से बड़ी निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 के बाद उसकी साइकिल क्या हो रही है कंप्लीट हो रही है। तो जैसे सपोज आप लोगों को निकालना है आयोटा की पावर 98, आयोटा की पावर क्या 98, तो आप लोग क्या पता, आपको पता है कि 4 के बाद इसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इंटू 2 8, और 4 इंटू 4 कितना 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आप लोग पावर लगा दो, तो आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी माइनस 1, यानी कि आयोटा रेस टू पावर 98 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोगों के पास माइनस 1। तो आप लोग किसी भी बड़ी पावर की वैल्यू क्या कर सकते हो इससे निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज अगर मान लो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आयोटा की पावर 97 निकालो, या कुछ और निकालते हैं जैसे कि मान लो 497 निकालते हैं, तो 497 को आप लोग किससे डिवाइड कर दोगे 4 से, 1 टाइम 4 इंटू 2 कितना 8, 4 इंटू 4 कितना 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो आयोटा की पावर 497, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो आयोटा की पावर 1 कितना आयोटा, यानी कि आयोटा रेस टू पावर 497 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास आयोटा है। इसके बाद अगर आप लोगों को सपोज कुछ और वैल्यू निकालनी है आयोटा से बड़ी तो वो भी निकाल सकते हो आप लोग, कुछ भी पावर आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आप लोगों को दे दिया आयोटा रेस टू पावर 598 निकालो, तो 598 को आप लोग किससे डिवाइड कर दोगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 4 के तो 1, 19, 4 इंटू 4 कितना 16, कितना बचेगा 3, 4 इंटू 9 36, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो जो भी आयोटा की जो भी रिमाइंडर बचेगा आयोटा की पावर लग जाएगी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1। तो जब भी आप लोगों को पावर 4 से बड़ी निकालनी हो तो उसको 4 से डिवाइड कर दो और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो उसकी क्या लग जाएगी पावर लग जाएगी। अब आप लोग नेक्स्ट नोट डालेंगे अपन, नेक्स्ट नोट क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लो नेक्स्ट नोट लिखेंगे आयोटा रेस्ट पावर 0 इक्वल टू कितना 1, यानी कि अगर उसकी पावर 0 लगी हुई है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। वैसे भी लॉ ऑफ इंडाइसेस में पढ़ा है कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1। जैसे मान लो आप लोगों से पूछ लिया कि आयोटा रेस्ट पावर 100 बताओ, तो आप लोगों को पता है 100 को जब आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो ये 25 टाइम, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो आयोटा की पावर 0 उसका आंसर कितना 1, यानी कि आयोटा रेस्ट पावर 100 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इस तरह से आप लोग कोई भी आयोटा की बड़ी पावर निकाल सकते हो। ये तो अपन ने पावर जो थी उसकी पॉजिटिव पावर्स की बात करी, अभी तक अपन ने इसकी कोई नेगेटिव पावर नहीं निकाली। मान लो सपोज आप लोगों को निकालनी हो नेगेटिव पावर, जैसे कि सपोज आप लोगों को निकालनी आयोटा की पावर माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन आयोटा, और इसके डिनोमिनेटर को क्या कर दो रैशनलाइज कर दो, तो 1 इंटू आयोटा कितना आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा कितना आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो आयोटा अपॉन माइनस 1 कितना हो गया माइनस आयोटा। यानी कि अपन सिंपल सी बात कह सकते हैं कि 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू कितना माइनस आयोटा,
वन अपॉन आयोटा इक्वल टू कितना माइनस आयोटा। जैसे सपोज आप लोगों से पूछा आयोटा की पावर माइनस टू निकालो, तो वन अपॉन आयोटा स्क्वायर, वन अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस वन, तो वन अपॉन माइनस वन कितना माइनस वन। अब जैसे सपोज पूछ लिया कि आयोटा की पावर माइनस थ्री निकालो, तो वन अपॉन कितना आयोटा थ्री लिख सकते हैं इसको। अब आप लोगों को पता है आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस आयोटा। अब आप लोग देखो इसको अपन रेशनलाइज करेंगे तो आयोटा और ये कितना आयोटा, तो आयोटा तो ये रहा माइनस आयोटा इंटू कितना आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस वन, तो आयोटा अपॉन वन, तो कितना हो गया ये आप लोगों का आयोटा हो गया। क्लियर है, क्लियर है बात। तो किसी भी बड़ी पावर को आप लोग क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आप लोगों से पूछ लिया आयोटा की पावर माइनस 37 बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन आयोटा की पावर कितनी 37। तो आयोटा रेस्ट पावर 37 को जब आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आप लोगों का वन अपॉन आयोटा। अब इसको क्या करोगे आप लोग रैशनलाइज, तो आयोटा तो ये रहा और आयोटा इंटू आयोटा कितना आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस वन, तो कितना हो गया माइनस आयोटा। तो यानी कि आयोटा रेस्ट पावर माइनस 37 की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास माइनस आयोटा। तो इस तरह से अपन ने साथ सीखा अपन पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर्स को भी निकालना सीखा। कल अपन जो बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर डेफिनेशन देखेंगे और आगे कॉन्जुगेट वगैरह प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं उसकी उस सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।